अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी स्लश, बहुत ही मजे का। और इसकी सबसे मजे की बात यह है कि बगैर बर्फ के बनेगा। इसमें आपको कोई आइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आपने गौर से सुनने हैं, और स्ट्रॉबेरी आपको फ्रोजन चाहिए होगी, ये जो मेन चीज होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सिबलिंग फूड हब को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो स्ट्रॉबेरी स्लश बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 250 ग्राम ली है मैंने स्ट्रॉबेरी, मतलब एक पाव। उसके बाद मैंने लिया है 1 ग्लास पानी। ये ग्लास जो है वो बड़े साइज वाला है, मतलब अगर आपका ग्लास छोटा है तो 1.5 लेंगे। और उसके बाद 4 टेबलस्पून शुगर। तो चलिए हम स्लश बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसमें ये सारी शुगर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड, ऑलमोस्ट हाफ हमने पानी से ऐड कर दिया। और इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना ताकि सारी जो शुगर है वो अच्छी तरह से डिजॉल्व। अब हम इसके अंदर ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि आपकी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो फ्रोजन हों। आपको इसके लिए फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ही लेनी है, आपको सिंपल वाली नहीं लेनी, आपने फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज लेनी है। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे सारा और इसको अच्छे से एक दफा और ब्लेंड कर देंगे। अभी एक ग्लास मैंने ले लिया और उसको मैंने शुगर के साथ और स्ट्रॉबेरी के साथ गार्निश कर लिया। और साथ ही मैंने इस स्ट्रॉबेरी के थोड़े से पीसेस ले लिए हैं ताकि इसको हम बाद में और गार्निशिंग कर सकें। तो चलिए हम इसको अब डालते हैं ग्लास में। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस। और आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो फ्रोज हों ताकि आपको कोई भी आइस क्यूब या आइस की जरूरत ना पड़े। तो देखिए रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी स्लश। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत। तो चले आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।